A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857, ब्रिटिश औपनिवेशक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसे चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना, दूर रह पाए जो हमसे दम, कहां मंजिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही दे निकले बांध कर सर पे कफन, जहां हथेली पर ये लोग बढ़ चले हैं एक तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल है, सर करोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए का दिल में है, हाथ जिन में हो जुलू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में, उसने ले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं।
फैलिए हथियार दुश्मन ताकत में भाव कर और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र, इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे १९१९ की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खेच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगा। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं, तलवार से सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं, तलवार से और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की।
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलट कर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे। इंकलाब जिंदाबाद,
अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्ते लोगों पर गोलियां तक बरसाई। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया।
अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom.